तो दोस्तों आज हम एक ऐसा किला देखने जा रहे हैं जिसका बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। एक ऐसा किला जहां के राजा ने अपनी रानी का सिर धड़ से अलग कर दिया। एक ऐसा किला जिसमें एक क्रूर राजा ने पूरी बस्ती की बस्ती मौत के घाट उतार दी। 17 बार आक्रमण के बावजूद यह किला अपने अस्तित्व को संभाले हुए था, परंतु एक भयंकर नरसंहार के बाद यह किला कैसे श्रापित बन गया, चलिए जानते हैं कि यह किला कौन सा है। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं रायसेन के किला में। रायसेन का किला मध्य प्रदेश के रायसेन शहर में स्थित है और भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दूरी पर है। ये जो आप हमारे पीछे गेट देख पा रहे हैं, ये रायसेन किले के अंदर जाने का पहला द्वार है। इसी द्वार से होकर हम रायसेन किले के अंदर जाते हैं। तो चलिए चलते हैं इस गेट से रायसेन किले के अंदर। एक बेहद ही ऊंचे पहाड़ पर बना यह रायसेन का किला आक्रमणकारियों से बेहद ही सुरक्षित था। एक तरफ ऊंची दीवार तो दूसरी तरफ गहरी खाई थी। किले को युद्ध में जीत पाना तो छोड़ो, किले तक पहुंच पाना ही बहुत मुश्किल था। फिर भी यह किला एक युद्ध में हार गया। 1543 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने इस किले को चारों ओर से घेर लिया और एक भयंकर नरसंहार के बाद यह किला जीत लिया। यह किला श्रापित कैसे था, चलिए आगे हम जानेंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं रायसेन किले के दूसरे गेट के सामने। दूसरा गेट हाथी गेट कहलाता है। हाथी गेट यह किले का सबसे ज्यादा मजबूत गेट था। इस गेट के दोनों ओर बने मोटे मोटे पिलर्स हाथी के पैरों के समान दिखाई पड़ते थे। चौकसी और बंदोबस्त इस गेट पर बेहद ही टाइट थी। इस गेट को पार कर पाना दुश्मन सेना के लिए बेहद ही कठिन था, क्योंकि पहाड़ की तलहटी पर बने इस गेट पर दुश्मन सेना को आसानी से मारा जा सकता था। हाथी गेट से थोड़ा आगे बढ़ने पर पूरे रायसेन शहर को देखा जा सकता है। दूर दूर तक फैला हुआ शहर, हरे भरे मैदान, पहाड़, जंगल बेहद ही खूबसूरत नज़ारा प्रस्तुत करता है। हाथी गेट के बाद एक स्वागत गेट दिखाई पड़ता है। गेट के दाईं तरफ दो बड़ी खिड़कियां बनी दिखाई पड़ती हैं। जब राजा जंग जीतकर आया करते थे तो रानियां इन खिड़कियों से फूल बरसाया करती थीं। इस गेट पर कई सारे कमरे बने देखे जा सकते हैं, जहां सैनिक रहा करते थे और पहरा दिया करते थे। यह स्वागत गेट इतने सारे मजबूत पिलर्स से मिलकर बना है कि आज भी यह अच्छी स्थिति में दिखाई पड़ता है। स्वागत गेट के बाद हमें और ऊंची चढ़ाई चढ़ना थी। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ही हमारी सांसें भरने लगी थी, परंतु फिर हमें पता चलता है कि अभी हमने तो आधा रास्ता ही तय किया था, अभी तो और बहुत चढ़ाई चढ़ना बाकी थी। यह किला पूरे पहाड़ पर फैला हुआ है। पहाड़ की तलहटी से लेकर पहाड़ के ऊपर तक यह पूरा किला परिसर ही था। अभी भी लगभग 20 से 25 मिनट पैदल चढ़ने के बाद भी आधा किलोमीटर की पैदल यात्रा करना और बाकी था। यह किला बहुत ऊंचाई पर है। यदि आप लोग किला घूमने आ रहे हैं तो पानी की बोतल और कुछ खाने के लिए जरूर रख लें। लगभग एक घंटे की चढ़ाई चढ़ने के बाद हम किले तक पहुँच पाते हैं। तो दोस्तों तीन गेट पार करने के बाद ये चौथा गेट पड़ता है। इस गेट के अंदर जाने पर हम सीधा किले में प्रवेश कर जाते हैं। तो चलिए अब इस चौथे द्वार से हम चलते हैं किले के सीधा अंदर। किले के अंदर आते ही हमें एक विजय स्तंभ देखने मिलता है। यह किले की वीरता और शौर्य की निशानी था, जिसके सामने हमें एक मंदिर दिखाई देता है। यह एक शिव मंदिर है जो आज भी आकर्षक दिखाई देता है। यह मंदिर का प्रवेश द्वार है, जहां कुछ सीढ़ियां और एक छत्र दिखाई पड़ता है। चार प्रमुख स्तंभों से बने इस छत्र पर कई विशेष कलाकृतियों को उकेरा गया है। और तो और छत्र के हर पिलर्स पर एक शिवलिंग स्थापित है। इस तरह यह प्रमाणित है कि यह एक प्राचीन शिवधाम है। इस मंदिर को सोमेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर का गर्भगृह जहां शिवलिंग स्थापित है साल में एक बार खुलता है, वो भी महाशिवरात्रि के दिन। यह मंदिर कई सारे पिलर्स से मिलकर बना है और मंदिर की बाहरी दीवारों पर सुंदर कलाकृतियों को उकेरा गया है। मंदिर गर्भगृह में एक साथ दो शिवलिंग स्थापित हैं। सटीक तरीके से तो कोई नहीं बता पाता है कि इस मंदिर में एक साथ दो शिवलिंगों की पूजा क्यों की जाती है। इस मंदिर के नीचे एक तहखाना भी स्थित है, जिसका अपना एक रहस्य है। मंदिर के पीछे की ओर कई छत्र और बने देखे जा सकते हैं, साथ ही साथ एक बड़ी बावड़ी भी।
जहां साल भर वर्षा का जल एकत्रित रहता है। समय समय पर प्रशासन इसकी सफाई करवाती रहती है। इसके बाद हम जाते हैं किले परिसर के उस भाग की ओर जहां आम जनता रहा करती थी। यह किला क्षेत्रफल में इतना बड़ा था कि पूरा गांव किले के अंदर बसा था। बाजार व्यापार सब किले के अंदर हुआ करता था, तभी यह किला इतना सुरक्षित समझा जाता था। किले के अंदर आते ही किले के सभी कोनों पर कई खंडहर इमारतें दिखाई देती हैं। यह बाजार और व्यापार का स्थान था। विभिन्न वस्तुओं को यहीं खरीदा और बेचा जाया करता था, परंतु इमारतें पूरी तरीके से खंडहर हो चुकी हैं। यहाँ इमारतों के तो केवल अवशेष मात्र ही बचे हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर किले की बस्ती आती है। इस जगह पर किले की तीनों दिशाओं में आम जनता के रहने के लिए घर बनाए गए हैं और इसके बीचों बीच एक बावड़ी देखी जा सकती है। यह किले की दूसरी बड़ी बावड़ी है जिसका जल आम जनता प्रयोग में लाती थी। इस बस्ती को देखने में समझ आता है कि प्राचीन समय के लोगों को पत्थर को काटकर इमारत बनाने का कितना अनुभव था। हर कमरे में खिड़की दरवाजे ऐसे बनाए गए हैं कि हवा का प्रवाह बना रहे, क्रॉस वेंटिलेशन रहे। परंतु 1543 ईस्वी में शेर शाह के आक्रमण के दौरान यह किला शेर शाह ने जीत लिया। यहाँ रहने वाले सभी परिवारों को शेर शाह ने मार डाला। एक बड़ा और भयंकर नरसंहार शेर शाह ने यहाँ किया। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या औरतें, किसी को नहीं छोड़ा। कहा जाता है कि शेर शाह की सेना ने लोगों को काट काट कर इसी बावड़ी में फेंक दिया था, जिससे यहाँ स्थित बावड़ी का जल खून से लाल हो गया था। इस नरसंहार के बाद यह किला वीरान और खंडहर हो गया। इसी बस्ती के एक घर से रास्ता जाता है राजमहल की ओर, जहाँ रायसेन राजा पूरनमल अपनी पत्नी रत्नावली के साथ निवास किया करते थे। स्क्रीन पर ये जो महल दिख रहा है, यही राजमहल था जिसमें जाने का दरवाजा हमेशा बंद रहता है। परंतु भूल भुलैया वाले रास्ते से जाकर हम राजमहल आपको अंदर से जरूर दिखाएंगे। ये भूल भुलैया वाला रास्ता था। ये भूल भुलैया वाला रास्ता दुश्मन सेना को भटकाने के लिए बनाया गया था। आज के समय राजमहल पूरी तरह खंडहर में बदल चुका है। राजमहल की इमारतें पूरी तरह से गिर चुकी हैं और भयंकर भूतहि दिखाई पड़ती हैं। अकेले आने में तो डर लगता है। आप लोगों को इन इमारतों को देखकर समझ आ रहा होगा कि ये इमारतें कितनी भयंकर तरीके से खंडहर हो चुकी हैं। इस महल को लेकर एक कहावत बहुत ही मशहूर है। कहा जाता है कि राजा पूरनमल को जब शेर शाह ने 1543 ईस्वी में युद्ध में धोखे से हरा दिया, तो राजा पूरनमल ने आत्महत्या करने से पहले अपनी प्रिय रानी रत्नावली का सर कलम यहीं किया था, खुद की तलवार से। रत्नावली बेहद ही खूबसूरत रानी थी। वह शेर शाह के हाथ ना लगे इसलिए राजा पूरनमल ने रत्नावली को मारना ही अच्छा समझा। और किले में इतना बड़ा नरसंहार होने के कारण किला श्रापित हो गया। रानी रत्नावली ने मरने से पहले इस किले को श्राप दे दिया कि आने वाले समय में यह किला खंडहर हो जाएगा। कहा जाता है कि राजा पूरनमल के पास एक पारस पत्थर था जो कि लोहे को छूते ही सोना में बदल देता था। बार बार रायसेन किले पर राजाओं के आक्रमण का एक कारण पारस पत्थर भी था। कहा जाता है कि राजा पूरनमल ने उस पारस पत्थर को ऐसी जगह छुपा दिया जिस तक पहुंच पाना नामुमकिन है। आज भी लोग उस पारस पत्थर को तलाशने किले में आते हैं, विभिन्न तंत्र मंत्र करते हैं, पर कहा जाता है कि पारस पत्थर की रक्षा एक जिन्न कर रहा है। जो भी उस पारस पत्थर तक पहुंचता है उसे वह जिन्न मार देता है। लेकिन फिर भी गहरी अंधेरी रातों में कई तांत्रिक उस पारस पत्थर को ढूंढने किले में आते हैं, किले में विभिन्न क्रियाएं करते हैं, जिन्न को मनाने की नाकाम कोशिश करते हैं। दिन में तो यह किला बहुत ही सामान्य दिखाई देता है, परंतु रात होते ही यह किला भयंकर डरावने स्थान में बदल जाता है। कई बार कई लोगों ने यहाँ कई भयंकर आत्माओं को देखा है। ये सच है या अफवाह हम नहीं जानते हैं, परंतु इस खंडहर को देखने के बाद हमें थोड़ा डर तो जरूर लगा था। अब हम भूल भुलैया वाले रास्ते से सीधा जा रहे हैं मस्जिद की ओर।
रायसेन किले की मस्जिद वह स्थान है जहां प्राचीन समय में इत्र रखा जाया करता था। वह स्थान इत्रगाह था। बाद में इसे मस्जिद बना दिया गया। मस्जिद में कई तरह की तोपें को प्रदर्शित किया गया है। ये वही तोपें हैं जो शेरशाह सूरी ने इस किले को जीतने में प्रयोग की थी। हुआ ये था कि शेरशाह अपनी पूरी सेना के साथ रायसेन किले को घेर लिया। रायसेन किला पहाड़ी पर होने के कारण इस पर चढ़ाई कर पाना और किले को जीत पाना बहुत कठिन था। तो शेरशाह ने अपने सारे लोहे से बने हथियारों, सोना चांदी को गलवा कर तोपें बनवाई थीं, जिससे वह किला जीत पाया। शेरशाह ने इन तोपों से इतनी तबाही मचाई थी कि पूरा किला खंडहर हो गया। एक बड़े नरसंहार का कारण ये तोपें ही थी। इस मस्जिद के एक कोने पर इत्रगाह बना है, जिसके अंदर देखने पर आंतरिक दीवारों की ऊपरी भाग पर कई खंड बने देखे जा सकते हैं। इन खंडों में इत्र रखा जाया करता था। जब हवा का झोंका इत्रगाह से होकर जाता था तो पूरा आसपास का वातावरण सुगंधित हो जाया करता था। इस मस्जिद में बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए एक टैंक भी बना देखा जा सकता है। इस स्थान पर विभिन्न नालियां बनाई गई थीं, जिससे बरसात का पानी इस टैंक में इकट्ठा हो सके। मस्जिद के बाहर विभिन्न मसालों को पीसने की चक्की बनी देखी जा सकती है। इसी चक्री के पास तीन गड्ढे बने हैं। दो गड्ढों में मसालों को पहले फुलाया जाया करता था और एक गड्ढे में पिसे मसालों को एकत्रित किया जाया करता था। इसके बाद किले की सबसे बड़ी बावड़ी बनी देखी जा सकती है। यहाँ किले का सबसे ज्यादा पानी को एकत्रित किया जाया करता था। यह किला बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैले होने के साथ साथ कई दंत कथाओं और कई रहस्यों से भरा पड़ा है। अभी तो हमने आपको किले का एक भाग ही दिखाया है। ऐसे कई भाग किले में स्थित हैं, परंतु उन्हें राज्य सरकार द्वारा बंद करके रखा गया है। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।